हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास ट्वेल्थ के सेकंड चैप्टर विद्युत विभव अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप देखिए, आप सोच रहे होंगे ये विद्युत विभव होता क्या है। सबसे पहले तो विभव क्या है, अब आप ये सोचें, यदि आपसे ये कहा जाए कि गर्म पानी और ठंडे पानी को मिलाया जाए तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ठंडा पानी थोड़ा सा गर्म होगा, गर्म पानी थोड़ा ठंडा होगा, अर्थात ऊष्मा ठंडे पानी से सॉरी ऊष्मा गर्म पानी से ठंडे पानी की ओर प्रवाहित होगी, यानी गर्म वस्तु ठंडी वस्तु को ऊष्मा देगी। अब आप यदि मैं आपसे कह दूँ एक बाल्टी ठंडे पानी में हम एक लोटा पानी डालते हैं, एक लोटा गर्म पानी, तो चूंकि लोटे में तो पानी की मात्रा कम है, बाल्टी में पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो एक बाल्टी ठंडे पानी में एक लोटा यदि हमने गर्म पानी डाला तो उसमें कौन देगा। आप कहेंगे कि भाई गर्म पानी उसमें देगा, कहने का मतलब क्या है कि ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में प्रवाहित होगी भले ही उसकी मात्रा कुछ भी हो, यानी कि ऊष्मा का प्रवाह उन दोनों वस्तुओं के तापांतर पर निर्भर करता है, उनकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। इसी प्रकार यदि दो टंकियां हैं और इन दोनों टंकियों को यदि हम नीचे से जोड़ दें, इसमें मान लीजिए ज्यादा ऊंचाई तक पानी है, इसमें पानी की मात्रा तो इसमें अधिक है, मान लीजिए इसमें 50 लीटर पानी है, इसमें केवल 20 लीटर पानी है, लेकिन इसका तल ऊंचा है, यहां बीच में कोई स्टॉप कॉक है। अब यदि स्टॉप कॉक को खोल दिया जाए तो क्या होगा, आप कहेंगे हम पूछे पानी इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा, तो आप ये कहेंगे कि पानी का फ्लो इधर से इधर की ओर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पानी का तल ऊंचा है, अर्थात कोई भी द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होता है। जिस प्रकार द्रव का प्रवाह ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होता है, यहां पर इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि किसमें ज्यादा पानी हो किसमें कम पानी है, यानी कि द्रव का प्रवाह द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल निर्भर करता है कि किसकी ऊंचाई किसका तल ऊंचा है। इसी प्रकार हमने भी कहा था आपसे कि दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह उन दोनों वस्तुओं के ताप पर निर्भर करता है, जिसका ताप अधिक होगा ऊष्मा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होगी। इसी प्रकार विद्युत का प्रवाह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में किस की ओर होगा, जैसे ये दो वस्तुएं हैं, दो चालक हैं, इन पर अलग अलग आवेश हैं, इस पर Q1 आवेश, इस पर Q2 आवेश, भले ही वस्तु इस पर कुछ और चार्ज हो, इस पर चार्ज की मात्रा कुछ भी हो, यदि हम ये पूछे कि इन दोनों चालकों को यदि हम जोड़ दें तो आवेश इस ये A ये B आवेश Q1 से Q2 में जाएगा या आवेश इस Q2 से Q1 में जाएगा, ये आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। यदि आपसे कहते हैं कि यहां पर 100 कूलाम आवेश है, यहां पर 500 कूलाम आवेश है, तो आवेश इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा, आप नहीं बता सकते। आप ये ना कहें कि आवेश 500 कूलाम से 100 कूलाम में जाएगा, क्योंकि आवेश का प्रभाव जिस प्रकार द्रव का प्रभाव इस द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल उसके तल पर निर्भर करता है, इसी प्रकार आवेश का प्रभाव आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, यह इन चालकों के विभव पर निर्भर करता है। विभव को हम भी व्यवस्थित करते हैं, तो जिस चालक का विभव ज्यादा होगा, आवेश नहीं, जिसका विभव ज्यादा होगा, इसका विभव V1 इसका विभव V2, यदि हमने कह दिया कि V1 ग्रेटर देन V2 अर्थात इस A का विभव ज्यादा है, तो आवेश इस A से B की ओर प्रवाहित होगा,
और यदि V2 greater than V1 तब आवेश इस वस्तु B से वस्तु A में प्रवाहित होगा। तो अर्थात आवेश का प्रभाव इन चालकों के विभव पर निर्भर करता है। अर्थात दो वस्तु या दो चालकों को जोड़ने पर आवेश के प्रभाव की दिशा उनके विभव पर निर्भर करती है। और यह विभव का प्रभाव कब तक होता रहेगा, जैसे इसमें हम कहेंगे इन दो चालकों को, इन दो टंकियों को हमने आपस में जोड़ा, तो इनमें द्रव का प्रभाव कब तक होगा? तो द्रव का प्रभाव तब तक होगा जब तक कि इन दोनों टंकियों में द्रव का तल समान ना हो जाए। इसी प्रकार यदि इन दोनों चालकों को हम जोड़ेंगे तो आवेश का प्रभाव एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तब तक होगा जब तक कि दोनों चालकों के विभव समान ना हो जाएं। अर्थात वैद्युत विभव वह राशि है जो दो चालकों के बीच आवेश के प्रभाव की दिशा को निर्धारित करती है। और आवेश का प्रभाव तब तक होगा जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाएं। तो ये तो वैद्युत विभव है, अब निकालते कैसे हैं? तो वैद्युत विभव की डेफिनेशन क्या है? तो हेडिंग है हमारी वैद्युत विभव। इसमें आप कॉपी और डॉट साथ में लेके रखें, मैं यहां पर लिख भी रहा हूं और बोल भी रहा हूं, आप साथ में लिखते चलें। मैं जब समझाना होगा मैं रुकता रहूंगा। अब देखिए विभव क्या है, वैद्युत विभव हम कहते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं? तो किसी एकांक परीक्षण आवेश को, जैसे आपको पता होगा कि ये आवेश, हर आवेश का अपना एक वैद्युत क्षेत्र होता है, इस आवेश का भी एक वैद्युत क्षेत्र है। यहां पर हम इन आवेश के वैद्युत क्षेत्र में इन इसे वैद्युत बल रेखाएं लेते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। अब यहां पर हम बार बार इस वैद्युत क्षेत्र को इस तरह एरो के द्वारा विस्तार नहीं बनाएंगे, हम केवल इसमें, क्योंकि यदि हम यहां पर एक छोटे से यहां के क्षेत्र को लें तो यहां पर इतनी पास पास रेखाएं होंगी कि ये लगभग समांतर होंगी, तो हम समांतर वैद्युत क्षेत्र लेंगे। और वैद्युत क्षेत्र इस तरह से प्रदर्शित करेंगे हम, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र हमेशा हम किसी धन आवेश के कारण ही मानेंगे। वैसे वैद्युत क्षेत्र धन आवेश का भी होता है और ऋण आवेश का भी होगा, लेकिन हम अपने डेरिवेशन में जितने भी हमारे पूरी फिजिक्स में जितनी भी डेरिवेशन हम करेंगे उन सब में वैद्युत क्षेत्र को हम किसी धन आवेश के द्वारा उत्पन्न ही मानते हैं। अब इस वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाया जाए अनंत से, अनंत है यहां पर, अनंत से Q नॉट आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाए आप यहां तक, चूंकि हमने आपसे कहा कि हम वैद्युत क्षेत्र को किसी धन आवेश के द्वारा ही मानते हैं, किसी धन आवेश के द्वारा ही यह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। जब हम अनंत से इस आवेश को लाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो आवेश है जिसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र है, यह वैद्युत क्षेत्र इस आवेश पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ये परीक्षण आवेश हमने लिया है Q नॉट, वैसे भी आपको मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर F अपॉन Q नॉट, तो F बराबर ई क्यू, इस आवेश पर ई क्यू बल लगेगा और बल लगेगा इधर की ओर, क्योंकि ये वैद्युत, ये भी धनावेश वह भी धनावेश, तो ये इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है, तो कार्य हम करेंगे, सही है? तो इस क्यू नॉट आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाए हम, बिंदु ए तक, तो हमें कितना कार्य करना पड़ा? हमने मान लिया इस ए तक लाने में क्यू नॉट सॉरी डब्ल्यू कार्य किया,
तो परीक्षण आवेश क्यू नॉट को लाने में हमें हमारे द्वारा किया गया कार्य W, तो यदि हम एकांक आवेश को लाएं तो कितना कार्य करेंगे, W अपॉन क्यू नॉट। और इस एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, हमारी डेफिनेशन है एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। यदि धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु का वैद्युत विभव V बराबर W बटे क्यू नॉट, वैद्युत विभव W अपॉन क्यू नॉट। और वैद्युत विभव चूंकि आपको मालूम है कार्य अदिश राशि है, आवेश भी अदिश राशि है, इसीलिए वैद्युत विभव भी अदिश राशि होगी। तब देखिए वैद्युत विभव अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट है। अब यदि W बराबर एक जूल तथा Q नॉट बराबर एक कूलाम, तब V बराबर, ये भी एक जूल आवेश एक कूलाम, तब V बराबर एक वोल्ट। अतः यदि एक कूलाम आवेश को देखिए अतः एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एक जूल हो तो उस बिंदु का वैद्युत विभव एक वोल्ट होगा। ठीक, अब देखिए यहां पर अभी हमने आपका मात्र इसका निकाला वैद्युत विभव का, अब विभव का विमीय सूत्र, तो यदि हम V का विमीय सूत्र निकालें, वैद्युत विभव का विमीय सूत्र, तो हम W का विमीय सूत्र लिखेंगे, आवेश का विमीय सूत्र लिखेंगे, कार्य का विमीय सूत्र ML2T-2 अपॉन आवेश का विमीय सूत्र AT, ये हो गया आवेश AT, ML2T-3 और A-2।
वन, ये विद्युत विभव का बीमीय सूत्र। अब देखिए, जब हम अनंत से किसी एक आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, और वह विभव उस बिंदु का परम विभव कहलाता है। कौन सा विभव? परम विभव। यानी कि यहां पर हम कहां से लाए? अनंत से। अनंत से ला रहे हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, ये हमारा विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक यदि हम लाएंगे तो उस विभव को हम परम विभव कहते हैं। जबकि अनंत के विभव को हम शून्य मानते हैं, अनंत पर विभव को शून्य माना गया है। यहां पर अनंत जो है वो हमारे लिए निर्देश बिंदु का कार्य करता है। अर्थात यदि हमें किसी बिंदु का परम विभव ज्ञात करना हो तो हमें एक ऐसा निर्देश बिंदु मानना पड़ता है जिसका कि विभव शून्य हो। अब इसके लिए हम किसी बिंदु पर परम विभव निकालने के लिए हम अपने सुविधा के लिए निर्देश बिंदु पृथ्वी को मानते हैं। पृथ्वी को क्यों मानते हैं? पृथ्वी के सापेक्ष हम हर एक वस्तुओं के विभव लेते हैं और पृथ्वी के विभव को शून्य माना गया है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा चालक है और पृथ्वी के विभव को शून्य माना गया है, और पृथ्वी को यदि हम थोड़ा विभव दें तो उसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या पृथ्वी से कुछ आवेश लें तब भी उसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार किसी भी, आपने देखा होगा कई स्टेशनों पर लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई इतनी, तो जो जितनी भी चाहे पहाड़ की ऊंचाई हो वो भी समुद्र तल से नापी जाती है, क्योंकि वहां पर निर्देश बिंदु हमारा, निर्देश जो ऊंचाई है वो समुद्र तल को मानी गई है, समुद्र तल की ऊंचाई को जीरो मानकर, क्योंकि समुद्र तल पर ये माना गया है कि समुद्र में कितना भी पानी दे दें या पानी उससे कितना भी भाप बन के उड़ जाए उसके तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार पृथ्वी के विभव को हम शून्य मानते हैं, पृथ्वी हमारे लिए एक निर्देश बिंदु का कार्य करती है। अब जब हम पृथ्वी के विभव को शून्य मान रहे हैं, अब देखिए ये पृथ्वी के विभव को हमने शून्य मान लिया कि हमारी पृथ्वी है। यदि कोई वस्तु धन आवेशित है, धन आवेश है और पृथ्वी के विभव को हमने माना है शून्य, पृथ्वी के विभव को शून्य माना है। यदि हम किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दें, मतलब धन आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दें, तो आप देखें, आप कहेंगे देखिए इस पर धन आवेश है, इस पर धन आवेश का अर्थ है कि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और पृथ्वी का विभव शून्य है। अभी हमने कहा था कि आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, तो इसका चूंकि इसका विभव पॉजिटिव में है, ये ज्यादा है ये कम है, तो आवेश अर्थात धन आवेश इस वस्तु से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होगा। इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होंगे, क्योंकि आवेश इलेक्ट्रॉनों के रूप में गति करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से वस्तु की ओर जाएंगे और तब तक जाएंगे जब तक ये वस्तु उदासीन ना हो जाए। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु ऋणावेशित है, यदि हम इसको जोड़ें तो यहां पर पृथ्वी का विभव शून्य और इसका विभव ऋणावेश यानी माइनस में है, तो पृथ्वी का विभव ज्यादा है, तो धन आवेश पृथ्वी से इस वस्तु में जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन वस्तु से पृथ्वी में आएंगे, और कब तक आएंगे? जब तक ये वस्तु उदासीन ना हो जाए। तो यदि हम किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दें तो उस वह वस्तु भी उदासीन हो जाती है, अर्थात यदि वस्तु धनावेशित है तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर उस वस्तु को उदासीन कर देंगे, और यदि वस्तु ऋणावेशित है तो इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से पृथ्वी में चले जाएंगे और वस्तु उदासीन हो जाएगी। अब देखिए हमारी अगली हेडिंग है विभवांतर, पोटेंशियल
डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आप मालूम है विभव एक बिंदु का होता है, जैसे वैद्युत क्षेत्र में, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, अनंत से यदि हम किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएं तो वह हमारा उस बिंदु का विभव कहलाता है। इस आवेश को यानी एकांक परीक्षण आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर जितना अधिक लाएंगे उस बिंदु का विभव उतना ही अधिक होगा। यदि दो पॉइंट हैं ए और बी, अब ए का विभव ज्यादा होगा या बी का, तो आप कह सकते हैं कि इस यहां पर ए का विभव कम होगा और बी का विभव ज्यादा, या यदि हम ए इधर कर लें तो हम कहेंगे बी का विभव कम होगा और ए का विभव ज्यादा होगा। इस एक एकांक परीक्षण आवेश को हम ए तक लाएं तो वह एकांक परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य इस ए का विभव कहलाएगा, और एकांक परीक्षण आवेश को इस बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु बी का विभव कहलाएगा, और यहां पर वी ए का मान वी बी से ज्यादा होगा। अब यदि एकांक परीक्षण आवेश को हम विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएं तो हमारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अर्थात इसके डेफिनेशन लिखिए, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यदि परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य W हो तो इनके बीच वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। यदि हम बिंदु B को अनंत पर मान लें, जैसे भी हमने कहा था, तो यदि बिंदु B अनंत पर हो तब वी बी बराबर शून्य, क्योंकि यदि बिंदु अनंत पर हो तो अनंत के विभव को शून्य मानते हैं, तो इसीलिए वी ए बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इस स्थिति में ये जो वी ए है ये बिंदु ए का जो हमने कहा था परम विभव कहलाएगा। हमारा जो वैद्युत विभवांतर है वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में ही एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, अर्थात या ये कह लें कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य
आपको मालूम है कि यदि ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु बी और ए, यदि किसी आवेश को हम बी से ए तक लाएं, यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे, तो हमें कार्य करना होगा, क्योंकि ए का विभव ज़्यादा है, बी का विभव कम है। ठीक है, यदि आपको मालूम है आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, यदि यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट होता तो इस पर बल लगता, और आवेश चूंकि ए का विभव ज़्यादा है बी का विभव कम है, तो आवेश स्वतः ही ए से बी की ओर जाएगा, यदि स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। लेकिन यदि क्यू नॉट आवेश को हम बी से ए तक लाएंगे तो कार्य हमें करना होगा, क्योंकि हम आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जा रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। यदि ए का विभव हमने मान लिया बी ए, दूसरे का विभव बिंदु बी का विभव है बी बी, तो यदि किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बी से ए तक लाया जाए, तब किया गया कार्य डब्लू बराबर, आपको मालूम है डब्लू बराबर वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू, सही है, या ये लिखें, अब मैं इसमें लिख रहा हूँ, आप लिख जाइए कि माना सॉरी यदि वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य डब्लू हो, तो इनके बीच वैद्युत विभवांतर वी ए माइनस वी बी इजल टू डब्लू अपॉन क्यू नॉट, या ये कह लें डब्लू इजल टू वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू। यहाँ पर वी ए माइनस वी बी ए और बी के बीच का विभवांतर है, इस विभवांतर को हम डेल्टा वी से प्रदर्शित कर रहे हैं, क्यू डेल्टा वी, या डेल्टा वी इजल टू वी ए माइनस वी बी। यदि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो, यदि आवेश यहां पर गति करने के लिए स्वतंत्र हो, तो किया गया कार्य आवेश को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए गतिज ऊर्जा के बराबर क्यू डेल्टा वी, यदि कण का द्रव्यमान एम तथा वेग तथा उसके द्वारा प्राप्त उसके द्वारा प्राप्त वेग v हो, तो k बराबर आपको मालूम है हाफ एम वी स्क्वायर बराबर q डेल्टा v, और v इजगल टू अंडर रूट में 2 q डेल्टा v अपॉन m। देखिए नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉन बोल्ट, क्या है, देखिए जिस प्रकार आपको मालूम है कि द्रव्यमान का बहुत छोटा मात्रक ए एम यू
एटॉमिक मास यूनिट, इसका प्रयोग हम ईएम का प्रयोग परमाणुओं, अणुओं, नाभिक, इनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने में करते हैं। ये द्रव्यमान का छोटा मात्रक है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, यानी ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये लिख रहे हम, यह है ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है जिसका प्रयोग परमाणु भौतिकी में किया जाता है। इसका प्रयोग परमाणु भौतिकी में किया जाता है। अब देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे ऊर्जा का आपको मात्रक मालूम है जूल, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल, जैसे द्रव्यमान के बारे में आपने बताया कि भाई द्रव्यमान का छोटा मात्रक है ग्राम मिलीग्राम, आपसे कहा जाए भाई द्रव्यमान का मात्रक तो किलोग्राम भी है, तो एक ग्राम में कितने किलोग्राम, हम कहेंगे 10^-3 किलोग्राम। एक मिलीग्राम में कितने किलोग्राम, 10^-6 किलोग्राम। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल, तो इसको निकालने के लिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल देंगे कैसे। आपको मालूम है कि यदि किसी आवेश को हम उच्च, यहां पर ये विद्युत क्षेत्र है, इसका विभव है वी ए, यहां पर विभव है वी बी, यदि क्यू आवेश को हम यहां पर मुक्त रूप से छोड़ दें बिंदु ए पर, तो आपको मालूम है ये आवेश ए से बी तक स्वतः ही जाएगा, किसके द्वारा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा। क्यों, क्योंकि आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा। अब पूछा जाए ए से बी तक इसके द्वारा किया गया कार्य, बराबर आप तुरंत कहेंगे क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी। तो यदि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा वी मान लें हम यहां पर कि डेल्टा वी है, यदि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा वी हो, तो क्यू आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर क्यू डेल्टा वी। अब यदि हम आवेश को ले लें एक कूलाम, आवेश हमारा एक कूलाम, और डेल्टा वी एक वोल्ट, सॉरी एक कूलाम नहीं, आवेश है यहां पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम फ्री कर रहे हैं, तब W बराबर आवेश तो हो गया एक इलेक्ट्रॉन और विभवांतर है एक वोल्ट, ये होगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा, प्राप्त की गई ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई एक इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त करता है। तो यहां लिख रहे हैं हम डेफिनेशन, देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वह ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन, एक वोल्ट, विभवांतर, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त करता है। अर्थात किसी इलेक्ट्रॉन को आप एक वोल्ट विभवांतर पर करें, यानी एक बिंदु, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना, एक वोल्ट, और तब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाएगा, तो उसके द्वारा जितनी ऊर्जा प्राप्त होगी वह एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। अब चूंकि आपको मालूम है यदि विद्युत क्षेत्र में
यदि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा वी हो तो क्यू आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य डब्लू बराबर क्यू डेल्टा वी ये होता है। अब यदि क्यू ले लें हम एक इलेक्ट्रॉन तथा डेल्टा वी बराबर एक वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करें तो आवेश हमारा एक इलेक्ट्रॉन, डेल्टा वी है एक वोल्ट, तब डब्लू बराबर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश का मान रखें 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम इंटू एक वोल्ट, ये आ जाएगा हमारा 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक है, यदि इससे तो बड़े मात्रक चाहिए हो तो इससे बड़े मात्रक एक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻¹⁶ जूल, ये एक जरा कैसे गुणा कर दें, 1,000,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिस प्रकार 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1,000 गुना होगा, इसी तरह 1,000,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1,000 गुना होगा, अर्थात 1.6 × 10⁻¹³ जूल तथा 1,000,000,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1,000 गुना, ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁰ जूल। अगली हेडिंग हमारी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, यानी कोई आवेश है उसके द्वारा किसी बिंदु पर विभव का मान निकालना। अब देखिए हेडिंग हो गई हमारी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। मान लीजिए ये कोई प्लस क्यू आवेश है, बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश, इस आवेश से आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे कि माना बिंदु ओ पर आवेश प्लस क्यू रखा है तथा इसके चारों ओर के माध्यम का प्राविद्युतांक के है तथा इस आवेश से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बिंदु ओ से एक्स दूरी पर बिंदु पी की सीध में हम बिंदु ए लेंगे, इस पर हम परीक्षण आवेश क्यू नॉट मानेंगे, तब इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल निकालेंगे। तो कूलाम के नियम के अनुसार इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल 1/4πε0Q Q0/x²। तो क्या लिखेंगे हम, माना हम यहां तक पर लिख रहे हैं कि माना बिंदु आवेश
बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है, कैपिटल के है, तथा इस आवेश से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी इस आवेश के कारण हमें बिंदु पी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए आप देखिए, हम बिंदु ओ से एक्स दूरी पर, माना बिंदु ओ से एक्स दूरी पर बिंदु पी की सीध में बिंदु ए है जिस पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है। तब इस आवेश पर लगने वाला बल एफ इजिकल टू 1/4πε0k Q0/x2। अब यदि इस आवेश को हम बिंदु A से बिंदु P की ओर सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करके बिंदु B तक लाएं, तब किया गया कार्य। तो यहां लिखते हैं, यदि परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P की ओर सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करके बिंदु B तक लाया जाए चूंकि हम सूक्ष्म दूरी विस्थापित कर रहे हैं तो कार्य भी हमारा सूक्ष्म होगा, dw बराबर f(-dx)। यहां पर हमने माइनस से लिया है क्योंकि ये भी प्लस, ये परीक्षण आवेश प्लस है, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इस पर बल लगेगा इधर, और हम ला रहे हैं इसके बल के विरुद्ध अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए माइनस का लिया है। तो dw बराबर, तो f का मान रख दें तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q0/x2 -dx, तो -dx। और विभव निकालने की, विभव की डेफिनेशन क्या होती है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो अतः Q0 आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। यदि हमें थोड़ा सा कार्य ज्ञात हो, सही है, तो संपूर्ण कार्य निकालने के लिए हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो संपूर्ण कार्य W बराबर, तो बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W बराबर, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन -1/4πε0 Q0/x2 dx। और कहां से कहां तक ला रहे हैं,
अनंत से बिंदु पी तक, तो अनंत से लाएंगे तो अनंत से लेकर और बिंदु पी की दूरी कितनी है आर, तो पी से अनंत से लेकर आर दूरी तक लाएंगे। तो देखिए डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन हमारा माइनस का -1/4πε0 क्यू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स और इन्फिनिटी टू आर। माइनस को या इसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में जब कर रहे हैं इंटीग्रेशन तो केवल एक्स स्क्वायर के पद रह जाएंगे 1/4πε0 सॉरी के, मैं भी सब्जेक्ट के रह गया है के, तो के और क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन माइनस का 1/x² dx और इन्फिनिटी टू आर 1/4πε0 के क्यू क्यू नॉट। और जब हम माइनस के 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x² का इंटीग्रेशन आता है माइनस का 1/x और माइनस माइनस प्लस, तो 1/x इन्फिनिटी टू आर। एक बार अपर लिमिट लाएंगे एक बार लोअर लिमिट लाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 1/4πε0 के क्यू क्यू नॉट। एक बार अपर लिमिट एक्स के माइनस करके लोअर लिमिट 1/∞ 0, तो डब्ल्यू इजल टू 1/4πε0 के क्यू क्यू नॉट बट्टे आर। ये तो आगे अनंत से उस बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य। अतः बिंदु पी का वैद्युत विभव, बिंदु पी का वैद्युत विभव वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। और जब क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1/4πε0 के और क्यू अपॉन आर। यह है वैद्युत विभव। देखिए अगली हेडिंग हमारी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जैसा आपने पढ़ा होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें दो आवेश जैसे माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों और इनके बीच की दूरी को हम 2L मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो हमने निकाला था विद्युत द्विध्रुव, वह निकाला था किसी एक आवेश के कारण विद्युत विभव, यहाँ निकालना है द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण अर्थात इन दोनों आवेशों के युग्म के कारण। तो हम निकालते हैं इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव हम तीन स्थितियों में निकालेंगे। सबसे पहले अच्छी स्थिति में, दूसरा होगा हमारा निरक्षीय स्थिति में, और तीसरा होता है किसी भी बिंदु पर। तो पहले स्थिति है हमारी अक्षीय है या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति में यहां पर हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना ही वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 2L है, 2L है, और इन दोनों अच्छी स्थिति कहते हैं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में। तो एक आवेश ये एक आवेश ये, इन दोनों को मिलाते हुए रेखा की स्थिति हमने है, तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की जो सीध होगी ये अच्छी स्थिति कहलाएगी। अब दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O, सही है, मध्य बिंदु O से x दूरी पर या r दूरी पर बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे ये जो भाषा हम एक बार लिख रहे हैं इसी भाषा को हम तीनों में लिखेंगे, जो शुरुआत की भाषा होगी तो एक में हम भाषा लिख दे रहे हैं। तब देखिए माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू तथा प्लस क्यू
आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी 2L है, जिनके बीच की दूरी 2L है, तथा इसके चारों ओर के माध्यम का परावैद्युतांक K है। अब ये तो इस द्विध्रुव के बारे में चर्चा हुई। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हमें इस बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब हमने यहाँ पर पूरी दूरी ली 2L, ये दूरी रह गई L, प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी होगी R माइनस L, और माइनस Q आवेश से R प्लस L। तब प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी R माइनस L तथा प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी R माइनस L तथा माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी? R प्लस L होगी। अब हम एक काम करेंगे, जैसे अभी हमने निकाला किसी एक बिंदु आवेश के कारण विभव, हम इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। ये आवेश, ये रहा दूरी, ये रही। फिर हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, और चूंकि विभव अदिश राशि है और अदिश राशियों के लिए हम डायरेक्ट दोनों को, यहां बिंदु P पर परिणामी विभव निकालने के लिए उन दोनों विभव को डायरेक्ट जोड़ देंगे, सही है। तो इसीलिए अब हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4πε0 K आवेश है Q, दूरी हो गई R माइनस L, तथा आप इसी पे कहेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 = 1/4πε0 K। और चूंकि विभव अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, तो अदिश राशि के लिए आवेश का मान हम चिन्ह के साथ रखते हैं। तो यहां पर होगा माइनस का क्यू बटे आर प्लस एल। और अभी हमने कहा था कि हम यहां पर परिणामी विभव निकालने के लिए दोनों विभव को जोड़ देंगे, इसीलिए बिंदु पी पर परिणामी विभव वी बराबर V1 प्लस V2, तो V बराबर इन जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 1/4πε0 K कॉमन आ गया, Q भी कॉमन आ गया, 1/R-L और माइनस का 1/R+L, ये माइनस ये वाला आवेश है। इसमें अब
यहाँ पर हम इसको प्रूफ करते हैं। इसके आगे यदि इसको प्रूफ किया जाए तो यहाँ पर साफ कर देते हैं, क्योंकि ये भाषा तो हम नहीं साफ कर रहे, ये तो चौंकि तो अब सेकंड में लिखेंगे, तो हम यहाँ से साफ कर रहे हैं, यहाँ से। अब देखिए ये आ गया, तो v बराबर 1/4πε0k q r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, यहाँ पर जब ये कैंसिल हो जाएगा r प्लस एल, जब इससे ये कटेगा तो माइनस का r प्लस एल, r से r कैंसिल हो गया, उसके बाद 1/4πε0k q l प्लस एल 2l बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, चूँकि q इंटू 2l बराबर p वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो v बराबर 1/4πε0k p बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, चूँकि l इज लेस देन r, अतः l स्क्वायर को, चूँकि लेंथ बहुत छोटी है r की तुलना में, अतः l स्क्वायर और भी छोटा होगा, l स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में हम नगण्य मान सकते हैं, नगण्य माना जा सकता है, और जब नगण्य मान लेंगे तो l स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो v बराबर 1/4πε0k और p बटे r स्क्वायर, ये हुआ वैद्युत द्विध्रुव का अच्छी स्थिति में। देखिए अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव की गणना की थी, अब हमारा अगला टॉपिक है इसी में कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की गणना करना। अब वैद्युत निरक्षीय स्थिति बोलें या फिर अनुप्रस्थ स्थिति बोलें, यही बात है, या फिर उसको लंबार्धक स्थिति बोलें। अब देखिए जैसे अभी हमने अच्छी स्थिति में कहा था एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू अब इससे मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2l है। अब इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय का मतलब है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से जाने वाली लंबवत रेखा निरक्षीय स्थिति है। तो r दूरी पर पॉइंट है निरक्षीय स्थिति में जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तब हम इस बिंदु को दोनों आवेशों से मिलाएंगे। तब देखिए ये L है, ये R है, तब ये जो AP या BP होगी इसका मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। जैसा कि अभी हमने अच्छी स्थिति में भाषा लिखी है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, तथा इसके चारों ओर के माध्यम का परावर्तांक k है। ये तो भाषा आपको जो कि तो लिखनी है। अब माना उस भाषा को लिखने के बाद आप ये लिखेंगे कि माना बिंदु O से r दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिए प्रत्येक आवेश से बिंदु P की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी। देखिए प्रत्येक आवेश से बिंदु P की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी, प्रत्येक आवेश से जो दूरी, तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 = 1/4πε0k q और ये दूरी है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण आप निकालेंगे तो वी टू इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एफ साले नॉट के। और विभव में मैंने कहा है आपसे कि हम आवेश को चिन्ह के साथ लगाएंगे क्योंकि विभव अदिश राशि है और अदिश राशि में जो मान होते हैं वो चिन्ह के साथ रखे जाएंगे। तो माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अतः बिंदु पी पर परिणामी विभव वी इजगल टू वी वन प्लस वी टू, वी इजगल टू इन दोनों का मान रखते हैं तो वन अपॉन फोर पाई एफ साइलेंट नॉट के क्यू बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और माइनस करेंगे तो वन अपॉन फोर पाई एफ साइलेंट नॉट के और क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यदि आप देखें तो ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, जब माइनस करेंगे तो वी इजगल टू जीरो। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। अब देख निरक्षीय स्थिति में हम चाहे यहाँ पर निकालें या यहाँ पर निकालें या इसके नीचे कहीं भी निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे तो वैद्युत विभव शून्य ही आता है। अब देख इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, अगली वीडियो में हमारा शुरू होगा। अभी वैद्युत द्विध्रुव की एक और स्थिति है, ये तो स्थिति है हमारी जो हमने पहले अच्छे में कहा था कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को की सीध में ये अच्छी स्थिति कहलाती है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की लंबार्धक स्थिति में ये हमारी निरक्षीय स्थिति कहलाती है। ये तो विशेष स्थितियाँ हैं। अब हमारा बिंदु कहीं भी हो, ना तो निरक्षीय में हो और ना ही अच्छे में हो, अर्थात यहाँ पर कहीं भी हो हमारा पॉइंट, तो हम वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे अगले अपने वीडियो में। उसमें होगा हमारा पहला टॉपिक कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी भी बिंदु पर। तो आप यहाँ तक इसको कर लें, फिर अगले इसी चैप्टर का जो शेष पार्ट है आपको अगली वीडियो में मिलेगा।